ऑफर को लेवल वाइज मैनेजमेंट ने तीन हिस्सों में बांट दिया है। पहला लेवल है बिजनेस बिगिनर्स, दूसरा लेवल है बिजनेस बिल्डर्स और तीसरा लेवल है बिजनेस लीडर्स। बिजनेस बिगिनर्स में किसको रखा है? ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टर को। बिजनेस बिल्डर्स में स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर और क्राउन डायरेक्टर। और बिजनेस लीडर्स में हमारे यूसीडी, डीसीडी और डीयूसीडी। अब ये हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो हम सारा कुछ वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा। आज हम फोकस करेंगे जो सबसे पहला है बिजनेस बिगिनर। तो आज मैं फोकस करूंगा कि पूरा डिटेल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर विथ इनकम सारा कैलकुलेशन के साथ मैं आपको समझाऊं कि अगर ये अचीव करोगे तो क्या क्या पैसा भी आपको मिलेगा साथ में। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज ये वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इसमें भी ब्रॉन्ज के ऊपर डीप में बात करेंगे। देखिए ब्रॉन्ज के लिए क्राइटेरिया क्या है आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले मोटा मोटी समझ लीजिए। 3 महीने के अंदर, मतलब कि इसमें अचीव करने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीने का मिलके उनका ग्रुप पीवी होना चाहिए 9990 पीवी, और अपने सेल्फ आईडी पे 100 पीवी होना जरूरी है। और कोई भी महीने में 2600 पीवी से एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए, 2600 तो कम से कम करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए आपने 2600 दो महीना किया है, तो को जो भी 9990 में कम पड़ रहा है, कोई 5200 पीवी आपके हो चुके हैं नवंबर में 2600, दिसंबर में 2600, तो बचे हुए पीवी आपको जनवरी में कर लेना है। ठीक है, ये एक समझ लीजिए। सिल्वर डायरेक्टर की बात करते हैं। सिल्वर डायरेक्टर को आप सभी को मालूम है के 1800 पीवी साइड से करना पड़ता है, उसके जगह पे अब उसको टोटल 3 महीने का मिलके साइड वॉल्यूम 8000 पीवी करना पड़ेगा। हर महीने 100 पीवी मिनिमम करना पड़ेगा उसके खुद के सेल्फ आईडी पे, चाहे वो मल्टीपल इनवॉइस में करे, कौन सी भी डेट को करे, कितने भी इनवॉइस में करे वो चलेगा। ब्रॉन्ज के लिए भी सेम है, कितने भी इनवॉइस में करेगा चलेगा, कौन सी भी डेट को करेगा चलेगा, लेकिन पूरे महीने में 100 पीवी होना चाहिए और टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर होना चाहिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी और सिल्वर डायरेक्टर, मतलब सिल्वर डायरेक्टर को मिनिमम 2100 पीवी तो साइड वॉल्यूम एटलीस्ट पर मंथ करना ही पड़ेगा, उससे कम करेगा तो वो रेस से आउट हो जाएगा। वहीं पर गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या है, उसको अपने नीचे बनाना है, 6000 पीवी उसको साइड वॉल्यूम करना है 3 महीने का मिलके, और खुद के 100 पीवी सेल्फ हर मंथ करने पड़ेंगे, और तीनों महीनों में एटलीस्ट वो टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर होना चाहिए। मतलब 1800 पीवी तो एवरी मंथ साइड वॉल्यूम उसको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसने नवंबर में 1800 किया है साइड वॉल्यूम, दिसंबर में साइड वॉल्यूम 1800 पीवी किया, मतलब हो गया 1800 और 1800 3600 पीवी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, 6000 पीवी होने चाहिए साइड वॉल्यूम, तो वो केस में जनवरी में उसको बचे हुए 2400 पीवी करने पड़ेंगे साइड वॉल्यूम, बल्कि मिनिमम 1800 तो करना है, उससे ज्यादा कितना भी एक ही महीने में साइड वॉल्यूम 6000 कर लेगा तो भी चलेगा। आप सुन लीजिए, एक ही महीने में 6000 करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 महीने में एटलीस्ट उसको 1800 तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों को सवाल ये भी आएंगे कि सर ये जो साइड वॉल्यूम है, अगर हमने एक ही महीने में, जैसे सिल्वर डायरेक्टर को 8000 पीवी साइड वॉल्यूम चाहिए, तो क्या हम एक ही महीने में 8000 क्वालिफाई लेग को छोड़ के कर लेंगे तो चलेगा? चल जाएगा।